नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बैतूल पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल से है। आज पूरा भारतवर्ष उन वीर जवानों को सलाम कर रहा है जिन्होंने देश की सेवा में अपने प्राणों का बलिदान दिया। पूरा देश आज पुलिस स्मृति दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 1959 में पूर्वी लद्दाख में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सेना पर हमला किया था। इस हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवान शहीद हुए थे। भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब सीमा पर सेना के जवान नहीं बल्कि पुलिस के जवान तैनात थे। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में 21 अक्टूबर 1959 को भारी हथियारों से लैस चीनी सैनिक द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में 10 पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। तब से इन शहीदों और कर्तव्य निभाते हुए ड्यूटी के दौरान शहीद हुए अन्य सभी पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने के लिए हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसी तारतम्य में आज बैतूल की पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उनका नमन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस स्मृति दिवस परेड का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में पुलिस अधीक्षक निश्चल एन झारिया द्वारा शहीद हुए सभी जवानों के नाम का वाचन किया गया। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक निश्चल एन झारिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी, एसडीओपी शालिनी सहित उपस्थित सभी पुलिसकर्मियों द्वारा शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। कार्यक्रम के आगे बैतूल जिले के जो जवान देश की रक्षा करते हुए तथा अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए शहीद हुए उनके परिवार के सदस्यों को शाल एवं श्रीफल देते हुए सम्मानित किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक निश्चल एन झारिया ने कहा कि आज के दिन लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए जीवन का बलिदान देने वाले सीआरपीएफ के 10 जवानों ने शहादत पाई थी। उनकी शहादत के कारण ही हमारी सीमाएं सुरक्षित रही। उन्होंने कहा कि आज जबकि पूरे देश में पुलिस विभाग द्वारा इन शहीदों की स्मृति में बलिदान दिवस आयोजित किया जा रहा है, हमारा देश, हमारी आज़ादी, हमारा मान सम्मान जिन वीरों के कारण सुरक्षित है, जिनके अपने परिवार तो अनाथ हो गए पर उन्होंने हमें सनाथ रखा है, उन सबको प्रणाम करना, उनकी याद में सर झुकाना सारे देशवासियों का कर्तव्य है। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों के अलावा गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। स्मृति दिवस था सर, कितने शहीदों के परिजनों को भी यहाँ सम्मानित किया गया? जैसा कि आप सभी को विदित है, 21 अक्टूबर को शहीद स्मृति दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। इस वर्ष भी हम लोगों ने शहीदों की याद में कार्यक्रम का आयोजन पुलिस लाइन में किया हुआ है हमारे शहीद स्मारक में। और विगत वर्ष जो हमारे यहाँ से जितने भी शहीद हुए थे उनके परिजनों को भी यहाँ पर हमने सम्मानित करने का काम किया है।